दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने जोड़े इंग्लैंड से हाथ और कहा जोफ्रा आर्चर को या बेन स्टोक्स को भेज दो। क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं आपको हम इस वीडियो में। अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैंस तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 शुरू हो चुका है और आईपीएल में इस समय मुंबई इंडियंस बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है। आईपीएल के 4 मैचेस में मुंबई ने हार ही झेली है। ऐसे में दोस्तों, अब मुंबई इंडियंस को पता है कि अब उनके पास अच्छे खिलाड़ियों की कमी हो गई है। ऐसे में दोस्तों, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। क्या हुआ है इंग्लैंड के साथ उनकी बातचीत, यही सब आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, मुंबई इंडियंस इतनी बेकार टीम नहीं है। कई ऐसे सीजन हैं जहां पर मुंबई इंडियंस ने अकेले ही डोमिनेट किया है और सारे के सारे मैचेस जीते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मुंबई की हालत बहुत खराब है। इसको सही करने के लिए रोहित शर्मा प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने यहाँ पर जो हाथ जोड़े हैं वो बहुत ही देखने लायक बनता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने मांग की है कि जोफ्रा आर्चर या तो बेन स्टोक्स को भेज दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ही इस समय यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों, एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर की कमी खल रही है यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम में। दरअसल दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश में है क्योंकि उसका अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन कोई कर नहीं पा रहा है। इस वजह से वो चाह रही है कि एक खिलाड़ी की एंट्री हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कोई खिलाड़ी आता है मुंबई इंडियंस की टीम में, क्योंकि जो पिछला मुकाबला खेला गया था उसका, वो भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला गया था और एक अच्छी फिनिशिंग से वंचित रह गई थी मुंबई इंडियंस की टीम। क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए बल्लेबाजी में तो केवल और केवल सूर्य कुमार यादव ने ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन नीचे पोलार्ड भी फ्लॉप रहे थे, तिलक वर्मा भी फ्लॉप रहे, रमनदीप सिंह भी फ्लॉप रहे। इसका यही नतीजा हुआ कि वो हार गए। अगर दोस्तों अच्छा कोई ऑलराउंडर होता तो अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को जीत जरूर दिलाता। अब देखने वाली बात यह है कि मुंबई इंडियंस की टीम आने वाले समय में एक ऑलराउंडर को शामिल करने वाली है या नहीं, क्या उनकी ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।